क्या आपका पीठ दुखता है? क्या आपके पीठ में अचानक मोच आ जाता है? क्या आप बचपन से हॉप्स एंड बैच को ज्यादा ही खेलते हैं? तो आपको जरूरत है मुंह की। सॉरी मेरा मतलब है मूव की आ से आ तक। ए वर्ड ब्रो, लड़की लोग तो अपने को सामने से देखते हैं ना भाई, तो बैक मसल पे क्यों वर्कआउट करने का, उस पे क्यों माथा बच्ची करने का है बंटा है? कोई अपने पीछे कुछ भी बोले ब्रो, अपने को उससे क्या, अपने को बैक से कोई मतलब नहीं है। नो टॉकिंग बिहाइंड द बैक ब्रो। अबे यार ऐसे, ये पक्का टिकटॉकर है, ये पक्का टिकटॉकर है, और ऐसे लोगों से ना बहुत दूर होना चाहिए जितना कि ये बैक एक्सरसाइज से दूर है। इसको कुछ नहीं आता। इन लोगों के साथ ऐसा होता है। देखा, होगी तसल्ली, इसलिए कहता हूँ बैक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है भाई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सज्जन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 4 बैक एक्सरसाइज जो आप घर बैठे कर सकते हो फॉर अ स्ट्रॉन्गर बैक मसल। और चलो देखते हैं ये 4 एक्सरसाइज कौन से हैं। लेट्स गो। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। हाँ भाई, कर रहा हूँ। पहले एक्सरसाइज का नाम है रिवर्स नो एंजल्स। लॉकडाउन में यदि आपको स्विमिंग करने का इच्छा करे तो फर्श पे सो सकते हैं। इसका बेस्ट फायदा ये है कि आपको जगह पे ही स्विमिंग कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से पानी का गीला होने का भी टेंशन नहीं, तो आप कोई गीला शिकवे नहीं, घर पे बैठ के स्विमिंग करो, बोले तो क्या बाबा। दूसरा एक्सरसाइज का नाम है पल्स रोज। कभी मरे हुए कबूतर को जमीन पर फड़फड़ाते हुए देखा है क्या? बस वही करना है अपने को इसमें, मुंह के बल जमीन पर सो के फड़फड़ाओ बस। इस कबूतरी एक्सरसाइज का नाम है पल्स रोज, याद रखे करना है रोज। तीसरा एक्सरसाइज का नाम है रिचर्स। ये एक्सरसाइज से आप काफ़ी रिलेट कर सकते हो। जैसे आप लाइफ में कोई भी चीज़ पाने की कोशिश करते हो, चाहे वो काफ़ी सब्सक्राइबर्स ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी कोशिश बेकार हो जाती है। ये एक्सरसाइज भी कुछ उसी की तरह है, यू ट्राई टू रीच बट हाथ में कुछ भी नहीं आता। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है। दिस इज द क्लोजेस्ट यू कैन एवर गेट टू बिकमिंग सुपरमैन, समझे क्या बाबा। हेलो फ्रेंड्स, आप वीडियो के एंड तक आ चुके हो। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड कमेंटिंग ऑन माय चैनल। मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी हमेशा एक हंसी के साथ चलनी चाहिए, इसलिए आप हंसते रहिए और फिट रहिए, और मैं आपको हंसाता रहूँगा और एक से बढ़कर एक फिटनेस स्टेप्स आपको देते रहूँगा जो आप घर पर बैठे खुद ही कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, ईद मुबारक हो, और आप इन्जॉय करो और अपना ख्याल रखो। बाय।